आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। चेयरमैन SC ST BC मुस्लिम फ्रंट जनाब सनाउल्लाह खान की जानिब से कॉमन सिविल कोड के मसले पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को कौमी सदर बॉम CEF वमन मिश्रा दिगर ने खिताब किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक स्थिति में भाजपा RSS को फायदा हो सकता है। यदि मुसलमान सड़कों पर उतर गया तो मेरे से अभी लिखवा लेना स्टैंड पेपर पर, ज्यादा संख्या में RSS और भाजपा चुनाव जीत जाएगी। सबसे पहले तो मैं मुसलमानों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो सड़कों पर उतरने का ऐलान ना करें, और अगर उनको ऐलान करना है तो फिर उनको ये समझकर ऐलान करना है कि BJP और RSS की सरकार लाना है, इसलिए ऐलान करना होगा, ये समझकर उनको ऐलान करना, क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं। जब मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सड़कों पर उतरेंगे तो मामला हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा। जब हिंदू मुसलमान का मामला ध्रुवीकरण होगा तो बड़े आसानी से हिंदुओं को बताना संभव हो जाएगा कि देखो आपके लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड किया, इसलिए मुसलमान विरोध कर रहे हैं, और आसानी से उनको वोट मिल जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों को और क्रिश्चनों को ये अनुरोध करता हूं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए विरोध जरूर करें, सड़कों पर उतरने का काम ना करें। सड़कों पर उतरते ही हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाएगा और ज्यादा सीटों से मोदी और RSS चुनाव जीत जाएगा। ये चुनाव का एजेंडा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा नहीं है। इस बात का यह है जो आप देख रहे थे अभी, अब रिसेंटली हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट है हरजिंदर सिंह जी धामी साहब, जो सुप्रीम बॉडी ऑफ सिख्स है, उन्होंने भी इस UCC के लिए जो उन्होंने इसके अगेंस्ट में कहा कि इसके इलाकों का हम इसके अगेंस्ट में है। इसी तरह से कल ही जो है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में भी हुआ था, जहाँ पे पूरे सिख इंटेलेक्चुअल्स ने बैठ के इस बारे में डिस्कशन किया था। शायद हम लोग हैदराबाद में भी इस बारे में बात करेंगे। ये जो इशू है, एक पर्टिकुलरली एक ये भारत एक ऐसा देश है, हर 50 किलोमीटर के बाद में लैंग्वेज चेंज होती है, कस्टम चेंज होते हैं, आपका डायलेक्ट चेंज होते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है। यहाँ तो आप कहीं हर चीज़ को आप एक साथ में एक यार्ड स्टिक में नाप नहीं सकते हैं आप उसको। ये एक हमारे पे इस पर्टिकुलरली इस कंट्री पे UCC लागू नहीं किया जा सकता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसको कर ही नहीं सकते आप। सभी के कस्टम्स अलग है, सबके सब चीज़ें अलग है। आप इसको जो हम इसको पूरी तरीके से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं कि हम लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी आप हम सब साथ में हैं, और गुरु नानक साहब ने हमेशा ही इस बात को हमेशा ही उन्होंने जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही, तो इसके लिए तो सिख हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। ये आप सब हम आप सबको एश्योरेंस देते हैं इस बात के। ठीक है, भी समझ में आई नहीं रहा, कॉमन आदमी छोड़िए अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को भी नहीं पता है कि आखिर ये है क्या, हो रहा है क्या, होगा क्या, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ एक अंधेरे में तीर चलाते जा रहे हैं, हर कोई सोच रहा है मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सिख खतरे में है, कौन खतरे में है। ये एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि इलेक्शन के मुद्दे है ये सारे। अब इलेक्शन नज़दीक है तो किसी की तरह भटकाना है और लोगों को जो है मसरूफ रखना है कुछ ना कुछ उनका माइंड, और जो मेन मुद्दों से हटाना है, जो मुद्दे हैं देश में बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, वो मुद्दों से कैसा हटाएंगे इनको, माइंड डाइवर्ट करना है तो माइंड डाइवर्ट ऐसे तो नहीं होगा। एक चीज़ ऐसा डराने वाली डरावनी चीज़ बता दो कि अपने अरे शैतान आ गया, इससे कैसा प्रोटेक्शन है, वो अपना सब कुछ बोल जाएगा खाना पानी, वो बोलेगा पहले शैतान को कैसा फेस करना, कैसा बचना इससे, ये सोचेगा इस तरह से। ये जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ये जो है पूरा, मेरे को भी यकीन है पूरा
100% यकीन है कि हमारा डेटा जो है वो बराबर मिसयूज होगा और राइट टाइम पे हमको सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिल रही कि हम करें या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो इसको वो लोग मिसयूज करेंगे, मिसयूज हुआ है पहले भी, अभी भी मिसयूज होगा, तभी तो फिर बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस वाले इतने बड़े कैसे हो गए, ये मिसयूज पार्टनर बन के मिसयूज किए गए हैं। और सबके पास आजकल फोन है, स्मार्टफोन सबके पास है और स्मार्टफोन का हर डाटा है, हर चीज़ आपकी मेरी हर एक की पूरी कहाँ पर है सबको मालूम है, बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो इसी को ये लोग यूज करेंगे हमारे ही अख्तियार से, हमारे पे वार करेंगे, करके बोलेंगे देखो भाई इन लोग ये चाह रहे हैं, लोग वो जो चाहेंगे वही करेंगे लेकिन हम जो चाहेंगे वो नहीं करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और आप सबसे इजाजत देती हूँ, बेहद शुक्रिया। एससी एस टी बी सी मुस्लिम फ्रंट की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर रामपुर जी में एक राउंड टेबल रखी गई है। ये राउंड टेबल आज इस वक्त हिंदुस्तान में जो एक अहम मौजूद चल रहा है यूसीसी, यानी कि आवाम कंफ्यूज है कि ये यूसीसी है क्या और ये यूसीसी के ऊपर कानून क्यों बनाने के, इस बारे में हुकूमत गौर करी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक ऑर्डर निकला कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं, उसमें आपकी राय क्या है। माशाल्लाह से हिंदुस्तान से करीब करीब 30 लाख लोगों ने अपनी राय दी, एक बहुत बड़ी बात है, आवाम में शऊर का एक इशारा है ये। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल को क्यों लागू किया जा रहा है इसके ऊपर गौर करने के लिए हम एससी एसटी बीसी सिख क्रिश्चन तमाम कम्युनिटी के लोगों को बुला के अपनी राय ली है हम लोगों से। तो तमाम की राय यही है कि ये कोई कानून नहीं है बल्कि एक एजेंडा है, इलेक्शन का एजेंडा बीजेपी का, क्योंकि अब तक बीजेपी जितने भी कानून रही है उन तमाम कानून से मुल्क में सिर्फ इंतशार पैदा हुआ है। कोई कानून बीजेपी का ऐसा नहीं आया जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो या आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसीलिए आवाम में तशवीश ज़्यादा बढ़ गई कि इस कानून से भी मुल्क में किसी किस्म का इंतशार तो नहीं पैदा होगा। तो हम ये मीटिंग में डिसाइड करे हैं कि उसका अभी खुलासा आया नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया कि कानून लागू करना बोल के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर खुलासा नहीं किया कि क्या लागू करना चाहिए क्या नहीं लागू करना चाहिए। हुकूमत पहले बदनीयत है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जब भी इसका खुलासा आएगा तो हम तमाम कम्युनिटी के लोग एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के जरिए से पूरी अपोजिशन पार्टी के सदरों से मिलेंगे और हम नुमाइंदगी करेंगे कि हुकूमत अगर ऐसा कोई कानून लाती है तो हम उसको आप पार्लियामेंट में पास होने नहीं देना। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लोगों की राय यही आई है कि उसको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा नाज़रीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।